क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं राइट तो अगर मैं अकाउंट की बात करूं आप सबको पता होगा इसका नेचर एक नॉर्मल अकाउंट का नेचर है इसे पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं यहां पे असेट लाइबिलिटी में जो चेंज आ रहा है सिर्फ उसकी बात की जाती है तो फायदा अगर तुम्हें कभी भी हो रहा है कभी भी तुम्हें फायदा अगर हो रहा है तो तुम लिखोगे क्रेडिट लाइक like, आपकी लाइब्रेटी कम हो जाए चाहे आपके एसेट्स बढ़ जाए चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो ये आपका फ़ायदा है और जब भी तुम्हें नुकसान होगा घाटा होगा वो डेबिट आएगा चाहे लाइब्रेटी बढ़ जाए चाहे आपके एसेट्स कम हो जाए चाहे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आपके अचानक से कोई लाइब्रिटी आपकी बन जाती है वो और आपने सारे फ़ायदे को जोड़ना है घाटा घटाना है यहाँ जो बचेगा वो रिवेल्यूशन गेन है और अगर क्लास आपका ये साइड बड़ा है फ़ायदा कम है तो जो क्लास यहाँ पे आएगा वो रिवेल्यूशन लॉस आएगा यहाँ आप टोटल लिखोगे फिर इस गेन और लॉस को आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अगर फिक्सड है तो करेंट अकाउंट में अपोजिट साइड भेज दोगे ये है रीवैल्यूशन अकाउंट के अंदर ये बेसिक फॉर्मेट अब हम एक एक करके अच्छे से तसली से प्यार से सारे एडिशनल पॉइंट पढ़ते हैं क्लास लगभग ट्वेंटी एडिशनल पॉइंट है जो मुझे आपसे डिस्कस करने हैं कि करके की रीवैलुएशन में वो कहाँ पर आएगा और बैलेंस शीट में कहाँ पर आएगा अच्छी बात यह होगी कि आप वीडियो पॉज करो देखो और ख़ुद से सोचो पहले कि इसका आंसर क्या होगा फिर मेरे से मैच करो सबसे पहला पॉइंट 1 month salary outstanding देखो एक महीने की सैलरी हो चाहे रेंट हो अगर आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी नुकसान है ना तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड और ये बैलेंस शीट में भी आपको किधर कि लाइबिलिटी रीवैल्यूएशन में ये आएगा डेबिट साइड वन मंथ का रेंट आउटस्टैंडिंग है यानी कि आपको रेंट या सैलरी एक महीने का देना था आपने अब तक नहीं दिया तो ये नुकसान है रीवैल्यूएशन में डेबिट आएगा मैं तुमसे सच कहूँ ना दो ही पॉइंट आता है बस मतलब दो टाइप के पॉइंट्स आते हैं क्वेश्चन के अंदर अगर अगर तुम लोग क्लास रीवैल्यूएशन अकाउंट और गुडविल की एंट्री अच्छे से सीख लोगे तो तुम्हारा पूरा का पूरा पूरा का पूरा रिटायरमेंट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा ओके okay? अगला क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इन दोनों पॉइंट में कोई भी दिक्कत नहीं है बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट रीवैल्युएशन में डेबिट साइड और बैलेंस शीट में लाइबेटी साइड बस ये एक्सपेंस लिखा है इसमें एक्सपेंस का नाम लिख दिया और कोई डिफरेंस नहीं है रेस्ट एवरीथिंग इज सेम ओके अच्छा आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स कितना है क्लास 500 हंड्रेड आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स कितना है क्लास 500 कहने का मतलब क्या है क्लास ये पॉइंट भी बिल्कुल सेम है आपने रिपेयर कराया आपने उसका बिल नहीं भरा तो ये भी रीवेल्युएशन में डेबिट साइड आएगा और बैलेंस शीट में क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग बिल है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो आउटस्टैंडिंग रेंट हो आउटस्टैंडिंग बिल हो तो ये क्रिएट किया जा रहा है मतलब बढ़ रहा है राइट right? क्रिएट किया जा रहा है तो में डेबिट साइड और बैलेंस शीट में किस साइड आएगा लाइब्रेटी साइड ओके फोर्थ पॉइंट पॉइंटर्स नॉट लाइकली टू बी पेड और नॉट लाइकली टू बी क्लेम क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करनी थी फायदा भैया <coughs> फायदा हो गया री में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में तुम क्या करोगे क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं करनी थी ना तो क्रेडिटर्स को कम कर दोगे तो लाइब्रेटी कम हो गई और क्लास जो क्रेडिटर्स है वो आपके कम हो गया आपको उनको पेमेंट नहीं करनी तो वो रीवैल्युएशन में फायदा हो गया क्रेडिटर्स कम हो गया तो रीवैल्युएशन में क्रेडिट साइड ओके नेक्स्ट अक्रूड इनकम आप सबको पता है क्लास अक्रूड इनकम असेट है तो बैलेंस शीट में तो क्लास असेट जाएगा और फायदा होता है तो रीवैल्युएशन अकाउंट में वो किधर जाएगा क्रेडिट साइड जाएगा अक्रूड इनकम रीवैल्युएशन में क्रेडिट आएगा पंद्रह और बैलेंस शीट में क्लास कहाँ जाएगा असेट साइड अक्रूड इनकम यानी कि आपने इनकम कमा ली है लेकिन आपको मिला नहीं है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव वो आपका पैसा है आपको मिला नहीं है तो वो आपकी एसेट है नहीं मिला तो मिल जाएगा तो ये क्लास पॉइंट्स हैं आई होप आप इसे आराम से रिवीजन कर लोगे एग्जाम टाइम पर अगर आपको लग रहा है कि सुनील सर ज्यादा वीडियोस डाल रहे हैं हम उसको पकड़ नहीं पा रहे तो आप फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो देख सकते हो मेरा मेन मोटो है कि मैं कुछ अगर किसी एक बच्चे को भी अगर ये नहीं आता किसी एक बच्चे को भी और वो भी देख के सीख ले रहा है और एग्जामिनेशन में कर ले रहा है ना क्लास तो मेरा परपस पूरा हो गया एक सिंगल स्टूडेंट भी अब तो इतने सारे बच्चे देख रहे हो टाइम राइट एग्जामिनेशन से पहले पढ़ना है पूरे साल में कहता पढ़ 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 लो पढ़ लो पढ़ लो नहीं एग्जामिनेशन से पहले पढ़ना है सर ये करा दो वो करा दो वो करा दो कोई बात नहीं क्लास बच्चे हो होता ही है मैं तो हर साल समझाता हूँ बच्चे नहीं मानते आप भी नहीं माने कोई बात नहीं बट यहां मौका है आराम से कर लेंगे टेंशन ना लो चिल रहो क्लास जब तक मैं हूँ तुम्हें किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है ठीक है नेक्स्ट

रीवैल्यूएशन में क्लास किस साइड और में, मुझे किसी को पैसे देने हैं है। वो नहीं मिल रहा फिर मैं उसके घर गया वो नहीं मिल रहा मैं फोन लगा रहा हूँ उसका नंबर नहीं आ रहा और आस पास, पास के पड़ोसी बोल रहे पता नहीं चार पांच साल से गायब है कहीं कोई लापता नहीं है तो मुझे दुख तो होगा कि लापता नहीं है लेकिन मुझे उसे ढेर सारे पैसे देने थे तो मन में लड्डू फूटेगा ना चलो यार बच गया तो अभी के लिए तो बच गया है राइट तो क्रेटर्स अनट्रेसेबल है तो रिवैल्युएशन में क्रेडिट साइड फायदा और आप बैलेंस शीट में क्रेटर्स को कम कर दोगे राइट अनट्रेसेबल क्वेश्चन ने कह दिया अब लापता हो गया अब उसका मिलना बड़ा मुश्किल है या वो कहीं चला गया बोला रख ले भाई या मुझे कोई पैसा नहीं लेना आपसे ऐसा हो सकता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल

तो ये भी में क्रेडिट क्रेडिट साइड साइड आएगा फायदे की question, bad, bad debts, 800 ध्यान एक डेटर है जिसका हजार रुपए डूब गया था उसने आठ सौ रुपए दे दिया इन फुल सेटलमेंट फुल सेटलमेंट में उसने आठ सौ रुपए हमें पे कर दिया ध्यान सुनो एक डेटर है जिसका अकाउंट हज़ार रुपये व रिटर्न ऑफ एज़ बैड हज़ार रुपये डूब गए लेकिन उसने क्लास हमें आठ सौ रुपये दे दिया फुल सेटलमेंट के अंदर भैया देखो वो हज़ार रुपये डूब गए थे और हमने उसका नाम हटा दिया था हमने बोला छोड़ो यार ये पैसे तो गए ये नहीं मिलेंगे अब वो हमें आठ सौ रुपये दे दे रहा है तो ये फ़ायदा है तो ये री में क्लास किधर आएगा क्रेडिट साइड किस नाम से बैडेट रिकवर और पैसा दे दिया तो आप बैलेंस शीट में कैश में भी उसको प्लस कर देना राइट ऑल डेटर्स आर गुड हैंजन इज रिक्वायर्ड सारे डेटर अच्छे हैं तो इसके अंदर क्या हो रहा होगा क्वेश्चन देखो कैसा दिखेगा तुम्हें क्वेश्चन में ऐसा आएगा डेटर्स मान लो दे रखा है फिफ्टी थाउजेंड और ऑलरेडी तुमने एक प्रोविजन बना रखा होगा मान लो फोर फाइव uh, थाउजेंड तो ये आपका फोर्टी फाइव थाउजेंड आ गया क्वेश्चन क्या है कि जो डेटर है ना वो सारे अच्छे हैं तो आपको कोई प्रोविजन नहीं बनाना तो ये जो व्यर्थ का प्रोविजन बना के बैठे हो कि पांच हजार रुपए डूब जाएगा वो नहीं डूबेगा तो ये पांच हजार का फायदा और फायदा कहां रिकॉर्ड करो क्लास फायदा जो है वो रिकॉर्ड करते हो रीवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड क्रेडिट साइड तो ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल है ये रीवैल्यूएशन में किस साइड क्लास आएगा क्रेडिट साइड आगे बात समझ चलो वेरी गुड नेक्स्ट और बैलेंस शीट में ये नहीं दिखेगा बैलेंस शीट में पूरा पचास हज़ार का डेटर दिखेगा यानी कि आप बेमतलब का डर डर ला कर बैठे थे कि पाँच हज़ार डूब जाएगा अब क्लियर हो गया सारे डेटर अच्छे हैं सारा पैसा आ जाएगा तो खामोखा में हम सोच रहे थे पाँच डूबेगा नहीं डूबेगा तो फायदा रिवॉल्यूशन में क्रेडिट ओके हाफ इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाई ए आधी इन्वेस्टमेंट ए ने ले ली है हाफ इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाई ए अगर आधी इन्वेस्टमेंट ए ले लेगा हाफ इन्वेस्टमेंट अगर ए ले लेता है आधी इन्वेस्टमेंट अगर ए ले लेगा हाफ इन्वेस्टमेंट अगर ए ले लेगा तो कोई भी असेट अगर पार्टनर लेता है मैं आपको यहां पे ध्यान से दिखाता हूं मान लो मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ बहुत अच्छा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट है फिफ्टी थाउजेंड मुझे लगता है पता नहीं क्यों ये पेपर में आएगा क्यों लगता है मे भी गलत लगता हूँ बट मुझे बहुत लगता है एडिशन पॉइंट हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर बाई ए Taken over by A, for rupees twenty thousand, and remaining इंक्रीज by ten percent. ठीक है ये point आ गया Remaining जो है वो ten percent से increase हो गया चलो देखो भाई डीटर कितने गए पचास हजार के आधा कितना बनेगा पच्चीस पच्चीस ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव इस 25 की इन्वेस्टमेंट को ए ने ले लिया कभी भी कोई पार्टनर अगर इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर करेगा या किसी भी एसेट को टेक ओवर करेगा तो आप उसकी कैपिटल अकाउंट में लिख दोगे टू यानी टू इन्वेस्टमेंट कितने में लिया है ट्वेंटी 20,000 में

वो पार्टनर उसको 25 की चीज को 20 में ले गया तो हमें तो नुकसान हो गया पांच हजार रुपए का नुकसान दिखा इन्वेस्टमेंट वो ले जा चुका है ओके अच्छा अब सुनो जरा आधी इन्वेस्टमेंट को ले लिया बीस हजार में बाकी जो इन्वेस्टमेंट बची हुई है वो दस परसेंट से बढ़ गया तो बाकी पच्चीस हजार का दस परसेंट कितना बनेगा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ये फायदा हो गया तो बाई इन्वेस्टमेंट तो ये हाफ इन्वेस्टमेंट था जो पाँच हजार से कम हो गया पच्चीस का वो बीस में लेके गया है और जो बाकी हाफ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी क्लास दस परसेंट से बढ़ गया ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का टेन परसेंट कितना बनेगा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड अब आप लोग दिमाग लगाकर मुझे बताओ बैलेंस शीट में आप इन्वेस्टमेंट जो दिखाओगे वो कितने का दिखाओगे तो आधा तो चला गया भूल जाओ उसको बाकी जो आधा बचाए ट्वेंटी फाइव का उसमें पच्चीस बढ़ गया है तो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड क्लास आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा तो ध्यान रखना कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को लेगा तो आप उसके डेबिट साइड टू अट लिख दोगे और कोई लाइबिलिटी लेगा तो क्रेडिट साइड लिखोगे और असेट ले रहा है तो कम और ज्यादा में लेता है तो घाटा और फायदा होगा उस घाटा उस फायदा को आप रिवेल्यूशन अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे अगर ज्यादा में ले गया तो फायदा रिवेल्यूशन में रिवॉल्यूशन में क्रेडिट कम में ले गया तो घाटा रिवॉल्यूशन में डेबिट ओके okay? और तुम्हें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है तुम्हें पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है ठीक है बैटर रिकवर ऐसे तुमने किसी को उधार दिया था तुम्हें रिकवर हो गया तो ये तो वही तो कर चुके थे हम लोग फोर्टीन क्वेश्चन पॉइंट पॉइंट हो हो गया 15 हो गया एक बार रिपीट कर देता हूँ अच्छे हैं तो कोई प्रोविजन नहीं बनाना है फायदा हो गया सारे डेटर अच्छे हैं तो रिवॉल्यूशन में क्लास क्रेडिट साइड आधी इन्वेस्टमेंट को ए ले गया है तो मैंने बता दिया क्लास आपको हाफ इन्वेस्टमेंट को ए ले गया है तो आप एंट्री क्या पास करोगे आप एंट्री पास करोगे ए अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट है ना एस के अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट और अगर कोई फायदा हुआ है मान लो ज्यादा के ले गया तो क्रेडिट कम का ले गया तो डेबिट तो यहाँ पे ये यह वाला एग्जाम्पल समझाई दिया मैंने आपको रिकवर भैया हमारे फायदा है पॉइंट जैसा सेम टू सेम बैड डेट रिकवर जो पैसा डूबा था वो आपको uh, मिल गया है तो फायदा तो री में क्रेडिट साइड और री एक्सपेंस ए ने पे किया है तो इसकी जनरल एंट्री होगी री एक्सपेंस टू ए आप एंट्री क्या पास करोगे री

डेटर uh, का प्रोविजन का पॉइंट है चलो ठीक है इसको करेंगे अभी लेकिन उससे पहले एक बहुत मन में आ रहा है कि मैं आपको बताऊं क्योंकि मुझे लगता है पेपर में आ सकता है तो आप भी देखो क्या आपको भी लगता है तो मुझे बताना यहाँ पे स्टॉक है सेवेंटी टू थाउजेंड का और बैलेंस शीट है ऑब्वियसली एसेट साइड है एडिशन में क्या लिखा है स्टॉक फाउंड अंडर वैल्यूड बाई टेन स्टॉक दस से कम पाया गया है स्टॉक 10 परसेंट से कम पाया गया है स्टॉक फाउंड अंडर वैल्यून परसेंट स्टॉक दस परसेंट से कम पाया गया है तो बढ़ा दो दस परसेंट बच्चे बोलते सर बढ़ा दो बढ़ाने का मतलब रिवैल्युएशन में क्रेडिट साइड कम हो गया है तो बढ़ा दो बाई स्टॉक दस परसेंट निकाल दो आप इसका सेवेंटी टू थाउजेंड का है ना यही गलती करते हो आप पेपर में इसका दस परसेंट बिल्कुल भी नहीं निकालना है मेजर बच्चे यही गलती करोगे आप बिल्कुल मत करना ऐसी मिस्टेक स्टॉक दस परसेंट से कम पाया गया है स्टॉक फाउंड अंडरवैल्यूड बाय बाई परसेंट तो दस परसेंट से बढ़ाना है दस परसेंट से कम पाया गया मतलब ये जो बैलेंस शीट में स्टॉक दिख रहा है इट इज जस्ट नाइन्टी ये नाइन्टी है बस तो अगर नाइन्टी डिवाइड बाई नाइन नाइन्टी है तो 100 परसेंट कितना बनेगा 80,000 सॉल्व करके देखो अब अस्सी हजार रुपए का असली वैल्यू है इन्होंने 80 में से 10, आठ घटा के 10 परसेंट घटा के 72 लिखा है तो न्यू बैलेंस शीट में 80 आएगा ध्यान रखना नई बैलेंस शीट में एट्टी अब एट्टी है असली 722 टू दिखा रखा है तो आठ हजार से बढ़ाना पड़ेगा अगर तुमने 7200 टू हंड्रेड से बढ़ाया तो मैच नहीं होगा वो गलती हो जाएगी क्रॉस चेक करोगे वो मैच नहीं होगा तो इन्होंने बोला है साफ साफ कि स्टॉक जो है वो फाउंड अंडर वैल्यूड कम पाया गया है स्टॉक तो कम पाया गया स्टॉक को बढ़ा दो सिंपल अगर स्टॉक कम है तो आपको स्टॉक को बढ़ा देना है और कुछ नहीं ओके okay? ओके okay, तो आप सेवेंटी टू थाउजेंड जो है यहाँ पे सेवेंटी टू थाउजेंड नाइनटी परसेंट है अच्छा कुछ बच्चे बोलते थे अगर ट्वेंटी परसेंट लिखा होता तो एट्टी परसेंट होता तो सेवेंटी टू थाउजेंड डिवाइड बाई एटी इंटू हंड्रेड तो असली वैल्यू निकल आती नहीं बैलेंस शीट में जो वैल्यू आने वाली फिर आप कंपेयर करना कम दिखा रखा था तो बढ़ा देना बढ़ा बढ़ा के दिखा रखा था तो आप कम कर देना लाइक like अगर मैं स्टॉक वाला ही पॉइंट थोड़ा सा और बढ़ा दूँ मैं यहाँ लिख दूँ यहाँ पे सिक्सटी राइट सिक्सटी थाउजेंड और मैं लिख दूं स्टॉक फाउंड ओवर वैल्यूड ओवर तो सर ज्यादा स्टॉक है, तो है तो की वैल्यूएशन दिखा रखी है इसका मतलब एक सौ बीस परसेंट दिखा रखी है ना हर चीज की जो असली वैल्यू होती है वो हंड्रेड परसेंट होती है हर चीज की जो असली वैल्यू है वो हंड्रेड परसेंट है इन्होंने बीस परसेंट से ज्यादा दिखा रखा है है ना यानी कि 120, सौ बीस वन ट्वेंटी परसेंट स्टॉक फाउंड ओवर वैल्यूड ज्यादा दिखा रखा है 20 परसेंट से यानी कि बैलेंस शीट में जो तुम्हें स्टॉक दिख रहा है ना दैट इज 120 ट्वेंटी परसेंट एक परसेंट राइट तो इसे कम करना है सर इसे कम करना है स्टॉक असेट है बढ़ेगा तो डेबिट कम करोगे बढ़ेगा तो क्रेडिट कम करोगे डेबिट टू स्टॉक तो सर ट्वेंटी परसेंट निकाल दो गलती से भी इसका मत बोलना मुझे कोई भी अगर ये 120 परसेंट है तो 100 परसेंट कम होता तो कम कर देते ज़्यादा है ज्यादा ओवर वैल्यू ज़्यादा दिखा रखा है तो तुमने 100 की चीज को 120 दिखा दिया इसका मतलब राइट तो ये आपका पचास हज़ार असली वैल्यू पचास है तुमने पचास का ट्वेंटी परसेंट दस हज़ार बढ़ा के साठ दिखा रखा है तो पचास हज़ार असली वैल्यू और परसेंटेज हमेशा असली वैल्यू का निकालना तो यानी कि टेन थाउजेंड कम कर दो रीवैल्युएशन में तो यानी असली वैल्यू साठ था दस कम करके नई बैलेंस शीट जो है ये न्यू बैलेंस शीट जो है उसके अंदर आप फिफ्टी दिखाओगे तो ये अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड वाला पॉइंट है इसका भी खास ख्याल रखना ठीक है बस और तो मुझे लगता नहीं कि कोई खास पॉइंट है बाकी प्रोविजन के मैंने अलग अलग केसेस कराने हैं आपको डिफरेंट केसेस प्रॉपर वीडियो बना के ठीक है मे बी आपको मिल गई हो आप देख लेना क्लास वैसे तो मुझे सारा कराना ही है सब कुछ मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूं डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए अब जरा मुझे ये बताओ ये पॉइंट भी खासतर आता रहता है पेपर में तो जरा एक बार देखो ट्राई करो क्या होगा इसका कोई भी टॉपिक की वीडियो चाहिए ना YouTube पे आप सर्च कर सकते हो आगे मेरा नाम लिख के आपको मिल जाएगा मैंने सब कुछ करा रखा है इसके अंदर राइट चलो डेटर्स फिफ्टी थाउजेंड और एडिशनल पॉइंट मिल गया 5,000 हजार डूब गया दस परसेंट मिल गया पे तो बात भाई। ये रहा और ये बैलेंस शीट ठीक है कि डेटर्स कितने के हैं मैं लिख देता हूं डेटर्स है के, और क्वेश्चन कहता है कि अब फाइव थाउजेंड पांच हजार रुपए डूब गए ठीक है पांच हजार रुपए डूब गए तो यहां से घटा दो बैड्स पांच हजार तो कितना क्लास आएगा फोर्टी फाइव थाउजेंड अब इस फोर्टी फाइव थाउजेंड पे दस परसेंट का बन गया प्रोविजन विच इज फोर्टी फाइव हंड्रेड तो चालीस हजार पांच सौ आ जाएगा आपका न्यू बैलेंस शीट में ये है प्रोविजन और यह बैड पक्का गए और ये, तो ये डाउट पे आ गया यानी कि प्रोविजन तो टोटल नुकसान कितना हो गया पांच चार नौ नाइन्टी फाइव हंड्रेड का नुकसान हो गया तो आप यहाँ नाइन्टी फाइव लिख दोगे टू तो बैड एंड डाउटफुल डेट्स ठीक है टू बैड एंड डाउटफुल डेट तो यानी पूरा का पूरा क्या हो गया क्लास ये नुकसान हो गया कितने का 9500 का इस तरीके से आप इसको रिवॉल्यूशन में दिखा सकते हो ये हो गया आपका केस 18 जो पहले डूबता है वो माइनस करोगे तो पक्का चलेगा 5000 हज़ार ये 5000 नहीं मिलने वाले बाकी जो बचा हुआ है फोर्टी फाइव उस पर भी डाउट है पांच परसेंट डूब जाएगा नाइनटीन पांच था दस था हाँ दस सॉरी दस ही निकाला चलो ठीक है नाइनटीन पे आओ बैलेंस शीट में ऑलरेडी डेटर्स में से प्रोविजन घटा रखा है फोर थाउजेंड सेवेंटी सिक्स थाउजेंड आ गया एडिशनल पॉइंट लिखा है बैडेट फाइव थाउजेंड प्रोविजन टेन परसेंट इज क्रीड रिमेनिंग डेटा बिल्कुल सेम उसी पैटर्न में होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट और यहाँ बनाओगे क्लास बैलेंस शीट रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ बनाओगे बैलेंस शीट ठीक है क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन कह रहा है कि एट्टी थाउजेंड डेटर्स हैं आप हमेशा यही डेटर लिखोगे इसके अंदर पूरा का पूरा आप बाहर वाला कभी नहीं लोगे आप एट्टी थाउजेंड जिसमें से 5000 डूब गया तो आप घटा दो बाई सॉरी uh, माइनस कर दो बैड डेट 5000 तो बचता कितना है 75 और इस 75 पे 10 परसेंट का प्रोविजन विच इज 7500 तो आएगा 67500 ये था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन हो गया अब तुम देखोगे तो नुकसान तुम्हें कितने का हुआ है 5,000 ये और 75. देखो जो डूब गया पक्का वो भी नुकसान है और जो डाउट में है वो भी नुकसान है तो कुल मिला के सेवेंटी फाइव थाउजेंड प्लस सेवेंटी फाइव तो बारह हजार पाँच सौ ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड का हमें लॉस हुआ है चार का पहले से प्रोविजन बना चुके हैं तो अभी आठ हजार पाँच सौ का टू प्रोविजन फॉर डाउटेड बनाएंगे यानी क्लास देखो तुम्हारा जो टोटल नुकसान हुआ है वो वो है ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड का वो पैसे डूब गए तुम्हारे है ना नुकसान हो गया और तुमने पहले से कितना प्रोविजन बना रखा था तुम रेडी थे पहले से पहले से तुमने कितना प्रोविजन मांगा चार हजार का प्रोविजन बना रखा था तुम्हें एट्टी फाइव हंड्रेड का नुकसान हो गया तो ये एट्टी फाइव हंड्रेड जो है वो रीवैल्युएशन अकाउंट में किस साइड क्लास आप रिकॉर्ड करोगे रीवैल्युएशन अकाउंट में डेबिट साइड आप रिकॉर्ड करोगे डन हो गया नाइनटीन क्वेश्चन चलो आते हैं अपने आखिरी को आखिरी केस पे आई होप बेटर रीवैल्यूशन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अच्छे से हो गए हैं कि जो जो पॉइंट्स रीवैलुएशन के पूछे जा सकते हैं वो भी अच्छे से हो चुके हैं

तो बैलेंस शीट में डेटर लिखो फिफ्टी थाउजेंड डेटर्स कितना है क्लास फिफ्टी थाउजेंड और इसमें लिखा है कि एक हजार रुपये डूब रहा है तो बैड कर दो हज़ार रुपये तो ये आएगा फोर्टी नाइन थाउजेंड ठीक है फिफ्टी थाउजेंड के डेटर्स हैं थाउजेंड रुपीज़ का बैड हो गया तो अभी फोर्टी नाइन थाउजेंड के डेटर्स आपको दिखेंगे कितने के क्लास फोर्टी नाइन थाउजेंड के अब फोर्टी नाइन थाउजेंड का अगर आप फाइव परसेंट बनाते हो माइनस करोगे प्रोविजन फॉर डेट तो कितना बनेगा क्लास फोर्टी नाइन थाउजेंड का फाइव परसेंट तो बनता है टू फोर फाइव जीरो तो यहां से जो अगर आप माइनस कर दोगे तो आएगा क्लास कितना फोर सिक्स डबल फाइव जीरो फोर सिक्स डबल फाइव जीरो फोर सिक्स डबल फाइव जीरो बात आ गई समझ क्लास तो डेटर से पचास हजार के बैड डेट है हजार फोर्टी नाइन थाउजेंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो टू फोर फाइव जीरो है तो फोर सिक्स डबल फाइव जीरो आपका ये बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन हो गया अब मेरी बात समझना तुम्हें नुकसान कितने का हुआ है थ्री फोर फाइव जीरो हजार तो डूब गए वन थाउजेंड और टू फोर फाइव थ्री फोर फाइव जीरो का नुकसान हो गया

तो तुम सोच रहे थे कि यार फाइव थाउजेंड रुपीज नुकसान में चला जाएगा लेकिन नुकसान जो हुआ वो सिर्फ हुआ क्लास कितने का थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी का तो अगर तुम्हारा न्यू प्रोविजन कम है और ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है तो फायदा लगेगा तुमको में क्रेडिट साइड और ओल्ड कम है है न्यू ज्यादा तो तो अगर मान लो होता हमें हजार और बनाना पड़ता तो में डेबिट साइड तो ऐसे सोच समझ के अगर आप करोगे ना तो प्रोविजन के भी यही तीन केसेस आएंगे इससे ज्यादा केसेस पेपर में नहीं पूछे जाएंगे आई होप क्लास ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाना क्लास और मेरी तरफ से आप सब ऑल द बेस्ट कोई दिक्कत परेशानी हो में कॉमेंटन करो टिल क्लास मतलब एक दो घंटे पहले भी पेपर से मैं आपके लिए मेहनत करने को तैयार हूँ मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था और आप उसको रिजल्ट देख भी रहे हो लेकिन मुझे आप सबसे आपका बेस्ट चाहिए कि आप अपने बेस्ट दिया आपने बहुत मेहनत की और जब रिजल्ट पेपर दे के आओगे ना प्लीज़ यार आके एक बार आराम करना फ्रेश कर फ्रेश होना खाना पीना सब कुछ करना एक प्यारा सा कमेंट कर देना बता देना मुझे कि पेपर कैसा गया तब तक दिल में धक 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 होती रहेगी तो आके बताना कि पेपर कैसा गया राइट ऑल द बेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय गॉड ब्लेस ये वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने सारे दोस्तों में ओके चलो टेक केयर